यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, कौन आए हो? तुम बच्चे आए हो। तुम किसको कहा जाता है? जो सामने होते हैं उनको कहा जाता है तुम। तुम आए हो बाप के पास, ये हेड ऑफिस है जहाँ सब बच्चे आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं, क्या सबको नहीं कहते हैं? क्यों? 500 करोड़ आत्माएं नहीं है, हैं? फिर उनको नहीं कहते? नहीं, मुरली में बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या इसका मतलब? यह है कि जिनकी आत्मा रूपी सुई की सारी कट नहीं उतरी होगी, बेसिकली भी, क्या बेसिकली भी जिनकी सारी कट आत्मा की नहीं उतरी होगी, तो वो डायरेक्ट बाप से सीखने के अधिकारी नहीं बन रहे होंगे। जिनकी आत्मा की सुई की कट बेसिकली उतरती जाती है, पढ़ाई भी होती है ना, एक बेसिक पढ़ाई होती है, एक ऊंची पढ़ाई होती है, तो बेसिकली जिन्होंने अपनी आत्मा की कट उतार ली है सच्चा पुरुषार्थ करके, तो वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ने योग्य बन जाते हैं। तो आत्माएं कहती हैं, हे बाबा, हम आपका फरमान जरूर मानेंगे। कौन सी आत्माएं? जिनकी बेसिकली आत्मा की कट उतर जाती है, वो फिर कहते हैं कि बाबा हम आपके फरमान पर जरूर चलेंगे, पवित्र बनेंगे। ये खास श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। क्या? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है मत देने वाला, इतनी बड़ी दुनिया है तो कोई तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाला होगा ना। 5000 वर्ष की ड्यूरेशन वाली ये लंबी दुनिया है, इसमें कभी तो ऊंचते ऊंचे वो हीरो पाटधारी प्रत्यक्ष होता होगा। तो जब प्रत्यक्ष होता है और उसको जो पहचानते हैं, उसकी मत पर चलते हैं, तो वो जरूर पवित्र बनेंगे। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो, तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है, हे शिव बाबा, हम आपके बने हैं। बाप कहते हैं, मैं आई हुआ हूँ सर्व की सदगति करने, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बने बीके बने, क्या कहा? पहले जब पवित्र बने बीके बने, तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पावेंगे। दो कैटेगरी हो गई, क्या कहा? पहले जब पवित्र बनकर के बी के बने, माने बेसिक पढ़ाई में बेसिकली पवित्रता को धारण करें, वो है बेसिक पवित्रता। जब बीके बने तब शिव बाबा से, पहले बीके बने ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तब पहले क्या पहले बीके बने तब, तो पहले की बात बेसिक की हो गई और बाद की बात जो बाप से डायरेक्ट सीखते हैं वो एडवांस हुए, एडवांस जाने वाले हुए। तो पहले बी के बने तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पावे। अगर ब्रह्मा कुमारी ही नहीं बने, ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को ही नहीं मानते हैं,
माने मुरली की ही बातों को अगर कोई काट देते हैं तो वो ब्रह्मा कुमार तो हुए नहीं। और जब ब्रह्मा कुमार ही नहीं हुए तो वो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने के अधिकारी नहीं होते। और जब बाप से पढ़ाई पढ़ने के अधिकारी नहीं है तो शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा भी नहीं पा सकते। कब पाएंगे? जब डायरेक्ट शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करें। तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने, क्या कहा? फिर से आए हो माने क्या? कलब 5000 वर्ष पहले भी आए थे और अब भी आए हैं। हर 5000 वर्ष पहले आए थे और फिर आते रहते हैं, उसको फिर से कहा जाता है? फिर से माना दोबारा है, माने इसी दुनिया में, इसी कलयुग की दुनिया में, कलयुग के अंत में तुम पहले भी आए थे और अभी फिर से आए हो। भले पूर्व जन्म में आए हो, आए थे, अभी फिर से बाप के पास आए हो। किस लिए आए हो? बाप से वर्षा ले। तुम जो देवी देवता धर्म वाले थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। क्या कहा? यज्ञ के आदि में भी आए कौन होंगे? जो 84 जन्म लेने वाले होंगे वो यज्ञ के आदि में भी आने की उन्होंने शूटिंग की होगी। किसके पास आए होंगे? बाप के पास। अब मान लो यहाँ कोई बैठा हो 70 साल का बुड्ढा है ना, अब वो तो संशय में पड़ जाएगा, ये क्या बोलती है कि हम डायरेक्ट बाप से लेने वाले नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भले यज्ञ के आदि में कोई आत्मा ज्ञान में न हो तो भी जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो तो इस सृष्टि पर था ना। अंत में 84 जन्म में वो मनुष्य सृष्टि का पिता तो होगा ना, उसके साथ रहे होंगे, माना राम वाली आत्मा के साथ रहे होंगे, वो संघ का रंग लिया होगा। तो वो संस्कार ऐसे होने की वजह से वो फिर भी भले डायरेक्ट आते हैं, ब्रह्मा कुमार बन करके नहीं आते हैं, डायरेक्ट विज्ञान में आ जाते हैं तो भी कहेंगे वो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेने के अधिकारी बन गए। तो तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी वो देवी देवता धर्म नहीं है। देवताएं जो पतित बने हैं वो ही फिर आकर के पावन बनेंगे। जो आए ही बाद में है वो तो स्वर्ग में जा नहीं सके। क्या शूटिंग पीरियड में भी जो शुरुआत के नहीं है बाद में आए तो वो स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं उन्हों कोई फिर से देवता बनना है?